कई बार जाने अनजाने में और बहुत बार स्वार्थवश कुछ इंसान ऐसे कर्म कर देते हैं जिसका पछतावा उन्हें जीवन भर रहता है। लालच और स्वार्थ से भरे हुए कर्म हो सकता है कि आपको थोड़ी देर के लिए फायदा पहुंचाए, लाभ पहुंचाए, आनंद प्रदान करें, लेकिन ऐसे कर्म करने के बाद आपका मन बोझिल होने लगता है। दूसरों को सताकर, दूसरों को दुखी करके उनसे लाभ हासिल करना आपके जीवन को सुखी नहीं बना सकता। सुखी रहने के लिए यह जरूरी है कि हम दूसरों को भी सुख पहुंचाएं, क्योंकि जिस प्रकार के कर्म हम करते हैं वही कर्म लौटकर वापस हमारी जिंदगी में आते हैं। सभी शिष्य अपने गुरु के इस उपदेश को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। एक शिष्य ने यह उपदेश सुनने के बाद अपने गुरु से सवाल किया कि गुरुदेव, हमारे आश्रम में बहुत सारे मच्छर हैं। जब हम रात को सोने की कोशिश करते हैं तो यही मच्छर हमें परेशान करते रहते हैं, तो मजबूरी वश इन मच्छरों को हमें मारना ही पड़ता है। उसी प्रकार अपनी फसल की देखभाल करने के लिए एक किसान को अपनी फसल को जानवरों से बचाकर रखना होता है, या फिर एक सेठ को अच्छे से काम करने के लिए अपने कारीगरों से अच्छे तरीके से काम लेना पड़ता है। इसीलिए उसे कभी कभी उन्हें डांट फटकार भी लगानी पड़ती है, जिससे उनका मन दुखी होता है। गुरुदेव, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अच्छा और बुरा कर्म क्या होता है, क्योंकि अगर हम मच्छरों को नहीं मारेंगे, दूर नहीं भगाएंगे, तो वह हमें सोने ही नहीं देंगे। उसी प्रकार कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनसे इंसान को भी खतरा होता है, अगर इंसान उनको नहीं मारेगा तो वह इंसान को मार डालेंगे। गुरु ने मुस्कुराते हुए एक पेड़ की तरफ इशारा किया जिस पर बहुत सारे कांटे उगे हुए थे। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहना शुरू किया कि इस पेड़ को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, पेड़ बहुत बड़ा है, तो दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, पेड़ पर बहुत अच्छे फल लगते हैं, तीसरे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, पेड़ की छांव बहुत अच्छी है। एक और शिष्य ने बिल्कुल ही अलग जवाब दिया। उसने कहा कि गुरुदेव, इस पेड़ की लकड़ी बहुत महंगी है, बाजार में अच्छी कीमत मिलती है इस पेड़ की। गुरु ने सभी शिष्यों से सवाल किया कि मान लीजिए कोई लकड़हारा इस पेड़ की लकड़ी काटने के लिए आता है और उसे कांटा लग जाता है, तो क्या इस पेड़ ने कोई गलती की? क्या इस पेड़ का वह बुरा कर्म कहलाएगा? गुरु ने सभी को समझाते हुए कहना शुरू किया कि प्रकृति इन पेड़ पौधों को भी आकत देती है खुद की रक्षा करने की। यह कांटे इस पेड़ पर इसीलिए उगे हुए हैं ताकि यह अपनी रक्षा कर सके, और अगर अपनी रक्षा करते हुए यह किसी को हानि भी पहुंचा देता है तो वह बुरा कर्म कैसे हो सकता है, क्योंकि इसका सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि पहले वह खुद की रक्षा करे, क्योंकि जब यह खुद की रक्षा कर पाएगा तभी तो दूसरों को फल प्रदान कर पाएगा। इसीलिए खुद की रक्षा के लिए किया हुआ कर्म कभी भी बुरा कर्म नहीं होता है। गुरु ने कहा कि जीवन एक द्वंद्व है, यहां पर अच्छा कर्म और बुरा कर्म इतना साफ नहीं होता है। आसानी से तुम निर्णय नहीं ले पाओगे कि अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है, उसके लिए तुम्हें तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। जब हम किसी हिरण को शेर का निवाला बनते हुए देखते हैं तो हमारे दिल में बहुत करुणा उठती है, उसे शेर के प्रति हमारे मन में नफरत पैदा होती है। लेकिन समझने की बात यह होती है कि शेर का शिकार तो हिरण ही है, अगर वह हिरण का शिकार नहीं करेगा तो भूख से खुद मर जाएगा, तो इसमें शेर गलत कैसे हो सकता है? देखिए, प्रकृति के कुछ नियम और कानून होते हैं और उसी के अनुसार संसार चलता है। अहिंसा परमो धर्म, यह बात यह कथन शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, और हम सब ने सुना होगा कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपकी सुरक्षा की बात नहीं आती है। जहां पर आपकी सुरक्षा को खतरा होता है वहां पर इंसान को अहिंसा त्यागनी पड़ती है। अगर वह वहां पर भी अहिंसा अपना आएगा तो वह कायर कहलाएगा। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, तो क्या फिर मांस खाना सही है? क्योंकि मांस भी तो हम अपनी भूख मिटाने के लिए ही खाते हैं, और अगर हम अपनी भूख नहीं मिटाएंगे तो हम तो मर जाएंगे, तो इस प्रकार तो मांस खाना भी सही हुआ। गुरु ने कहा कि एक शेर के लिए मांस खाना सही है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन हमारे पास विकल्प होते हैं। हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए मांस खाना पसंद करते हैं, और सिर्फ अपने स्वाद के लिए किसी असहाय प्राणी की हत्या कर देना कहां से उचित हो सकता है? हां, तुम्हारा खाना सही हो सकता था अगर तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन अभी तुम्हारे पास विकल्प मौजूद है। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाने के लिए एक कहानी सुनाने शुरू की। गुरु ने कहा कि किसी गांव में एक चोर रहता था, चोरी करना ही उसका पैसा था। यह बात गांव में किसी को नहीं पता थी कि वह एक चोर है। एक दिन उसकी मां बहुत बीमार हो गई। चिकित्सक ने बताया कि इसके इलाज के लिए जो दव यहां चाहिए होगी वह काफी महंगी आती है, इसीलिए तुम्हें धन की आवश्यकता होगी। उसी रात वह चोर एक अमीर सेठ के घर में चोरी करने के लिए घुस गया।
लेकिन बदकिस्मती से आज उसकी चोरी पकड़ी गई। जब सेठ ने उससे पूछा कि आज तक तो तुमने कभी चोरी नहीं की, आज ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि तुम्हें चोरी करनी पड़ रही है, फिर क्या था? उस चोर ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए कहने लगा कि सेठ, मेरी मां बहुत बीमार है, अगर तुरंत उसका इलाज नहीं किया गया तो वह बच नहीं पाएगी। सेठ ने जाकर उसकी मां का हाल जाना और उस यकीन हो गया कि यह चोरी अपनी मां को बचाने के लिए ही कर रहा था, इसलिए उसने उस चोर को माफ कर दिया। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाया कि हम सब अपने जीवन में यही तो करते हैं, गलत कर्म हम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा गलत कर्म पकड़ा जाता है तो हमारे पास कोई ना कोई बहाना तैयार होता है कि इस मजबूरी में मुझे यह कर्म करना पड़ रहा है। जिस प्रकार तुमने मच्छरों को मारने की बात कही है, तुम दूसरा विकल्प भी चुन सकते थे। तुम सोते वक्त कोई मच्छरदानी प्रयोग कर सकते थे जिससे तुम मच्छरों से बचे भी रह सकते थे और तुम्हें मच्छरों की हत्या भी नहीं करनी पड़ती। इसीलिए अगर सही तरीके से बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो तुम्हें कभी गलत कर्म करने ही नहीं पड़ेंगे, तुम्हें हिंसा करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। शेर एक जानवर होता है, उसके पास बुद्धि बल नहीं होता और ना ही उसके पास संसाधन होते हैं, इसीलिए उसकी मजबूरी हो जाती है हिरण को मारकर खाना। लेकिन हम इंसानों के पास बुद्धि बल भी होता है और संसाधन भी होते हैं, और उसके बावजूद अगर हम गलत कर्म करते हैं तो उसके लिए कोई तर्क, कोई बहाना उस गलत कर्म को अच्छे कर्म में बदल नहीं सकता है। एक सेठ अपने कारीगरों से प्रेम से भी काम ले सकता है, लेकिन अहंकार वश अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए वह अपने कारीगरों को डांटता और फटकारता रहता है, अपने आप को ऊंचा और उनको नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है, और फिर यह तर्क भी दे देता है कि मेरी मजबूरी है, यह करना करना कौन चाहता है, मेरा तो यही कर्म है, अगर मैं इसे ही अच्छे तरीके से नहीं करूंगा तो परमात्मा बुरा मान जाएगा। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाया कि कभी भी अपनी गलत कर्म को सही साबित करने का प्रयास मत करो, यह अहंकार का रूप होता है। आपका अहंकार जो होता है वही गलत कर्म को सही साबित करना चाहता है, वह सोचता है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं, और यहीं पर आप अपने अहंकार को बढ़ावा देते चले जाते हैं। अगर कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो। जब तुम किसी गलती को अपने मन से स्वीकार कर लेते हो तो वह गलती भविष्य में दोहराई नहीं जाती है। एक शिष्य ने गुरु से सवाल किया कि गुरुदेव, अगर किसी से अतीत में गलत कर्म हुए हैं, गलतियां हुई है, तो उन गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। गुरु ने कहा कि सबसे पहले तो ऐसे इंसान जो खुद की गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं वह बहादुर होते हैं, क्योंकि हर एक इंसान अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाता। और अगली बात समझने की यह होती है कि इंसान गलतियों का पुतला ही होता है। अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो उसका विकास कैसे होगा? गलतियां कर करके ही इंसान गलतियों से पार हो जाता है। अगर एक बार कोई गलती हो गई है तो वह माफ की जा सकती है, लेकिन बार बार कोई गलती कर रहा है तो वह आदमी मूर्ख होता है। ऐसा इंसान बेहोशी में अपना जीवन जी रहा है और उसका विनाश निश्चित है। गलतियां करो, लेकिन हर बार नई गलती करो, पुरानी गलती को मत दोहराओ, उसी से तुम्हारा विकास हो सकता है। गलतियों से जीवन में अनुभव जुड़ते जाते हैं, और जितना अनुभवी एक इंसान होता जाता है उसकी बुद्धि उतनी ही तेज होती जाती है। अतीत की गलतियों का बोझ अपने दिल पर मनुष्य को नहीं रखना चाहिए, इससे उसका दिल बोझिल हो जाता है और वह पूरी उमंग और उत्साह के साथ कोई भी काम नहीं कर पाता। जब भी वह कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करेगा तो वही गलतियां उसके सामने आकर फिर से खड़ी हो जाएगी और वह कोई भी नया काम शुरू नहीं कर पाएगा। और अगर वह कोई नया काम शुरू नहीं करेगा तो उसे नई गलतियां नहीं होगी, और अगर नई गलतियां नहीं होगी तो उसका विकास कभी नहीं होगा। इसीलिए गलतियों से डरने की जगह उनसे सीख लेना सीखो, और फिर देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे चमत्कारिक रूप से बदल जाता है। जीवन प्रतिफल बदल रहा है, शायद हमें उसका एहसास नहीं होता। आने वाले हर एक पल के साथ हम और बूढ़े होते जाएंगे, मौत के और करीब होते जाएंगे, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। जीवन की भाग दौड़ में मनुष्य यह भूल ही जाता है कि कोई भी सांस उसकी आखिरी सांस हो सकती है, और आखिर में जब हिसाब लगाया जाता है कि उसने कितनी सांस जी भर के जी, तो पता चलता है कि पूरे जीवन में बहुत कम ऐसे फल होते हैं जहां पर इंसान खुलकर अपना जीवन जीता है, बिना किसी चिंता, बिना किसी डर, मोह, लालच, हर भाव से आजाद होकर वह कुछ ही पल अपने जीवन में जीता है, और वह पल भी उसके बचपन के दिन होते हैं। बचपन के दिन बीतने का बाद हमारे अंदर कितने भारी बदलाव आते हैं यह हम सब जानते हैं, हम सब साक्षी हैं। उसके जीवन का हर एक पल मुक्त होकर जिया जा सकता है, लेकिन जरूरत होती है
सही कर्मों की कर्मों के बारे में सही ज्ञान होने पर आदमी के अंदर के द्वंद खत्म हो जाते हैं, और जब द्वंद खत्म होते हैं तब शंका मिटती है, और शंका मिटने के बाद इंसान का एक नया जन्म होता है। आज तक हम शंका यानी कि संशय में ही तो जीते आए हैं, यह खरीदें वह ना खरीदूं, इससे बात करूं उससे बात ना करूं। हर चीज में हमारे दो पहलू होते हैं, हर विचार हमारा बटा हुआ होता है, इसीलिए हम कोई भी निर्णय पूरे मन से नहीं ले पाते, हर निर्णय आधा अधूरा रहता है, और इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ जाए कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपके मन में से सारा संशय दूर हो जाएगा, और वह संशय दूर होने के बाद सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना सीखिए, बुद्धि का उच्चतम प्रयोग करें, तभी आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। हर समय सही और गलत का निर्णय इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में, असल दुनिया में सब कुछ इतना साफ साफ नहीं होता। हमें चुनाव करना पड़ता है, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाकर हम कहीं यह निश्चय कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और यकीन मानिए, अगर आपने सही कर्मों की धारा पकड़ ली तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि जीवन में जो करने योग्य होता है वह सही कर्म होता है। लेकिन अधिकतर लोगों को सही कर्म का मतलब ही नहीं पता होता। कर्म तो हम सभी करते हैं, लेकिन परिणाम हर किसी को नहीं मिलता। परिणाम सिर्फ उन्हें ही मिलता है जो परिस्थितियों के अनुसार सही कर्म करने का साहस दिखाते हैं, जो चिंतन करके यह जान पाते हैं कि कर्म का सिद्धांत क्या होता है और अलग अलग कर्मों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। जब इंसान भली भांति अपनी दृष्टि से यह सब देख लेता है, तब उसका कर्मों के बारे में सारा संशय दूर होने लगता है, और तब धीरे धीरे अनुभव के साथ उसे पता चलता जाता है कि जो कर्म वह कर रहा है वह किस श्रेणी के कर्म है। क्योंकि तीन श्रेणियां होती हैं, उच्चतम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और न्यूनतम श्रेणी। जो मनुष्य बिना किसी लालच मोह या द्वेष के कोई निर्णय करता है, कोई कर्म करता है, तो ऐसा कर्म हमेशा उच्चतम श्रेणी में आता है। और जो इंसान दूसरों को दुखी करने के लिए अपने मोह, अपने लालच और अपने द्वेष के अभिभूत होकर कर्म करता है, वह न्यूनतम श्रेणी में आता है। अब आपको खुद आकलन करना है कि जो भी आप कर्म करते हैं वह किस श्रेणी में आते हैं, और अगर वह श्रेणी न्यूनतम है तो उसे उच्चतम लाने का प्रयास कीजिए, तभी आपका जीवन बदलेगा। वरना तो जीवन भर आपके कर्म आपको प्रभावित करते रहेंगे, आपको दुखी करते रहेंगे। अपनी बात को खत्म करते हुए गुरु ने आखिर में कहा कि जो भी गलतियां करो होश पूर्वक करो, बेहोशी में नहीं। और होश जीवन में तभी जागृत होता है जब तुम ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हो। इसके बाद सभी शिष्य अपने गुरु के निर्देशों के अनुसार ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।